सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो जो भी बड़े ये वीडियो देख रहे हैं उनको प्रणाम, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। आज दीपावली। तो सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहते हैं ताकि वो आशीर्वाद दें और सारे छोटों को बहुत सारा प्यार। तो गाइज, आज दीपावली है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो आप सभी को हैप्पी दीपावली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बहुत 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 खुश रहो हमेशा जैसे इस दिवाली हो। और गाइज, आज जो भी सैड हैं, मूड ऑफ है, कुछ भी हो, सबको साइड में रखिए और दीपावली अच्छे से मनाइए, वजह कोई भी हो, क्योंकि ये त्यौहार है ना, खुशियाँ लेके आता है। और कुछ भी हो, साइड करिए अपना दुख दर्द प्रॉब्लम और अच्छे से अपने फैमिली के साथ दीपावली मनाइए। थोड़ा सा डेकोरेशन हो चुका है, देख सकते हैं, बट अभी बहुत बाकी है। तो सुबह सुबह पूजा कर चुके हैं, अब जा रहे हैं किचन में, जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह जो है बना देते हैं, क्योंकि उसके बाद डेकोरेशन में लगेंगे तो बहुत टाइम हो जाता है रंगोली वगैरह बनाते बनाते, तो इसलिए। तो आज येलो वाला ये सूट पहने हैं, कैसा लग रहा है बताइएगा, बहुत दिनों बाद पहने हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। सो गाइज, आज बनाने वाले हैं ये छोले का सब्जी, मटर का, और यहाँ ओल का सब्जी भी बन रहा है, और पकौड़ी के लिए यहाँ दाल भी भिगोया हुआ है। तो आज ढेर सारा चीज़ बनने वाला है, तो चलिए पहले ये हम बनाते हैं, क्योंकि ओल का सब्जी और सब सासू माँ बनाएंगी, और हम तब तक नाश्ता के लिए ये छोले का सब्जी और पूड़ी का तैयारी कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ जल्दी जल्दी से नाश्ता बना रहे थे, और आज हम लोग सोचे थे ना कि किचन में जल्दी से आके सब कुछ कर लेंगे, ताकि दिन भर हमारा जो है साफ़ सफाई नहीं, मतलब सारा जो रंगोली बनाना है ये सब भी टाइम पे हो जाए। लेकिन सब करते करते आखिर आज संडे वाले दिन भी लेट हो ही गया था। संडे वाले दिन आज दिवाली भी था, आप सभी को पता है, तो लेट हो ही गया था आने में किचन में, मतलब 7:30 या 7:45 हो गया था किचन में आते आते। तो यहाँ तब तक सासू माँ भी पूजा वगैरह करके आ गई थी, और वो भी अपना जो बनाना था बनाने का तैयारी कर रही थी, जैसे ओल वगैरह का सब्जी, और हम भी इधर तब तक तैयारी कर रहे थे नाश्ते का, जैसे सब्जी वगैरह बनाना था और रोटी या पराठे बनाने थे। और उसके बाद मेरे को बाद में पता चला कि मेरे को भी जाना है मिठाई लाने, तो उसके लिए भी सोचे जल्दी जल्दी से सब कर लेते हैं, फिर निकल जाएंगे मिठाई लाने के लिए। सो गाइज, नाश्ता बनाने के बाद, मतलब आटा सान के, और फिर निकल गए लाने के लिए मिठाई वगैरह, सोचे कि आके और उसके बाद हम बनाएंगे नाश्ते का, क्योंकि अभी एकदम सुबह था, ये 9 बजे हम लोग निकले थे मिठाई लाने के लिए, क्योंकि उसके बाद दिवाली वाले दिन इतना भीड़ हो जाता है ना मिठाई के दुकान पे कि मिठाई मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह 9 बजे ही निकल गए थे मिठाई लाने के लिए, जो शाम में मतलब लक्ष्मी जी और गणेश जी को चढ़ाया जाता है, वो सारी मिठाइयाँ लेनी थी, तो वही हम लोग देखिए यहाँ पर ले रहे थे। लड्डू कैसे हैं भाई? सो गाइज, यहाँ हम लोग ले लिए 5 kg मिठाई और फिर लेके चले घर, और सोचे लोग जो जो सामान लेना था ले लेंगे, बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक, भीड़, ये सब हो गया था ना कि क्या ही बताएं, क्योंकि पूरा बाजार लगा हुआ था फूल फल जो भी बेचाता है उसकी वजह से, तो बहुत मुश्किल था लेना, तो इसलिए हम लोग फिर निकल गए घर के लिए, क्योंकि दिमाग में चल रहा था कि मतलब नाश्ता बना के नहीं आए हैं, रोटी वगैरह बनाना था, जिसको जो खाना था पराठा, तो वो तो फिर घर गए। तो देखिए यहाँ पे रेडी है और हम लोग चले नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद थोड़ा वीडियो डालें, जो आप लोग देखे होंगे ब्लॉग जो दिवाली के दिन आया होगा, फिर वीडियो डालने के बाद बहुत जल्दी जल्दी एडिट करके डालें, फिर आए हम अपना रंगोली बनाने के लिए। और यहाँ पे हम सोचे कि पिछले बार यहाँ 2 बनाए थे, बट इस बार सोचे कि यहाँ 1 बनाएंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। डेली हम 12 बजे तक अपना सब कुछ मतलब रेडी मतलब कर देते थे, शुरुआत कर देते थे बनाना रंगोली, बट आज 2 बज चुका था शुरुआत करने में, इसलिए यहाँ पर 1 बना दिए थे। और आप आगे ब्लॉग में देखोगे कहाँ कहाँ बनाया है, पूजा रूम के पास और जो मेरा मेन डोर है वहाँ पे, तो देखिए।
सो गाइज, ये रंगोली तैयार हुआ इस तरीके से और कैसा लग रहा है बताइएगा। हम रंगोली बनाने में उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, मतलब बहुत कम, मतलब थोड़ा बहुत आता है बनाने मेरे को, तो यहाँ बना चुके थे, कैसा लग रहा है बताइएगा। तो दो डोर पे हो चुका था, अब बारी था पूजा रूम के, मतलब डोर के पास बनाने का। तो यहाँ पे रंगोली ज़्यादा कुछ नहीं किए, वहाँ पे जो टाइल्स बिछाया हुआ है वो डिज़ाइन वाला है, तो हम सोचे कि उसी पे अबीर कर देते हैं ताकि अच्छा लगेगा देखने में भी, क्योंकि वहाँ डिज़ाइन फिर दिखता नहीं, अलग कुछ डिज़ाइन होता तो इसलिए हम लोग उसी पे अबीर रख मतलब कर दिए। और ये तीन चार मतलब हम लोग बनाए ना, जो पीठ और पैर में दर्द हुआ था ना, बहुत ज़्यादा दर्द, वो पेन हम बता नहीं सकते, बट इग्नोर हो जाता है उस टाइम पे जब सब कुछ ख़त्म होता है दिवाली वाली ना, मतलब रात में, तब लगता है कि अरे ये दर्द दे रहा है, वो दर्द दे रहा है, नहीं तो ऐसे एक्साइटमेंट में करते जाते हो खुशी खुशी। और ये अक्सर होता है ना, बताइएगा, मेरे साथ भी होता है, हम एक्साइटमेंट में पूरा करते गए और बाद में समझ में आया कि पीठ सीधा ही नहीं हुआ, यहाँ भी बैठा ही नहीं जा रहा मेरे को, एकदम ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे, मतलब अजीब सा थोड़ा लग रहा था। बट आप लोग बताइएगा, आप लोग कितना रंगोली बनाए, कितना क्या, एक ही बनता है, बट हमारे डोर दो हैं तो हम लोग दो बनाए थे। सो गाइस, देखिए जो मेन डोर था उस पे इस तरीके से हम लोग बनाए थे रंगोली, मतलब एक सीढ़ी बाई सीढ़ी इस तरीके से, और फाइनल ये वाला था। तो कैसा लग रहा है रंगोली बताइएगा गाइस, बहुत मेहनत लगा है बनाने में, और जिसको आता है रंगोली बनाने वो तो जल्दी जल्दी से बना देता है, बट जिसको उतना नहीं आता, जैसे हम देख के नहीं बना पाते, अपने दिमाग से बनाते हैं, क्योंकि देख के में से अक्सर गलती हो जाता है। फाइनली अभी टाइम मिला मेरे को बात करने का, तो देखिए हमारा रंगोली बन चुका है, तीन तीन रंगोली, यहाँ पे तो हम लोग तीन रंगोली बनाए हैं, बट और बनाए हैं अंदर, तो चलिए अभी हम जा रहे हैं थोड़ा रेडी होने के लिए। तो सारा काम ख़त्म करते करते शाम के 5:30 हो गए थे, तो यहाँ पे हम आ गए रेडी होने के लिए, और जल्दी जल्दी से यहाँ नहा के आ चुके थे रेडी होने, और ड्रेस देख के तो पता चल गया होगा कौन सा ड्रेस पहनने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था सच में, जितना नहीं सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा। तो हम यहाँ मेकअप कर रहे थे, और भारती को हम बुलाए हुए थे, एक लड़की हैं उनको मेरा हेयर स्टाइल करने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वो बनाती हैं, तो हम सोचे एक बार हम भी करा लेते हैं, क्योंकि हम सिंपल ही हेयर रखते हैं, आप लोग देखते होंगे, तो इसलिए इस बार सोचे कि कुछ कराते हैं बाल में हल्का सा, तो आगे से थोड़ा सा डिज़ाइन बस कराए थे, तो उससे पहले हम सोचे कि थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, क्योंकि प्राइमर लगाएं तो 5 मिनट वेट करना होता है, तो पूरा तो स्ट्रेट नहीं किए थे हम, हिट अब अपने बालों में लगाना छोड़ दिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बाल बहुत डैमेज हो चुका है, बहुत ख़राब हो चुका है, तो इसलिए हम हिट अब यूज़ नहीं करते उतना, बट आज स्टाइल करना था थोड़ा सा, तो हम सोचे कि आगे का थोड़ा सा हम कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ कर रहे थे मेकअप, और
एकदम ज़्यादा हार्ड वाला जो मेकअप होता है वो नहीं किए थे, सिंपल सा किए थे और अच्छा लग रहा था। फाइनल लुक आपको दिखाएंगे, बहुत ही प्यारा लुक आया था। और यहाँ पे हम लिपस्टिक आज लगाने वाले थे पर्पल, बहुत दिनों बाद मन कर रहा था। और ये देखिए ज्वेलरी कैसा लग रहा है बताइएगा, ये बहुत दिनों से रखे हुए तो सोचे पहने, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा था कि पहने तो फाइनली दिवाली वाले दिन आउटफिट से मैच किया तो पहन लिए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था पहनने के बाद। इयररिंग्स भी छोटे छोटे से थे, लाइट वेट, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हेवी सा पहने हुए हैं। बहुत ही सुंदर भी लग रहा था। और यहाँ पे ब्लू काजल मंगाए थे, वही निकाल रहे थे लगाने के लिए, जल्दी से निकल ही नहीं रहा था उसका जो पूरा पैक किया हुआ था वो, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये ब्लू काजल। तो गाइज ये वाला ब्लॉग कैसा लग रहा है बताइएगा, और पूरा जो है फाइनल लुक वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सोचे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे सारा कुछ। तो इस बार अच्छे से कैप्चर करके आपको नहीं दिखा पाए दिवाली का जो तैयारी है, क्योंकि हम रिकॉर्ड करने के लिए कोई था नहीं गाइज, इसलिए हम नहीं दिखा पाते अच्छा से ब्लॉग में सब कुछ। तो चलिए कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और मेरा लुक कैसा लग रहा है फिलहाल वो भी बताइएगा। पूरा फाइनल लुक नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। तो ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर करिएगा गाइज। हैप्पी दीपावली।